नमस्कार दोस्तों, तो अभी मैं हूँ कर्नाटक के हम्पी जगह पर जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मैं अभी साउथ टूर पर आया हूँ इंडिया के, तो यहाँ से मैं लेसन बना रहा हूँ। इस लेसन में हम सीखेंगे कि बांसुरी पर आप फिंगर्स की कौन कौन सी एक्सरसाइज करें ताकि आपकी जो फिंगर्स की प्रैक्टिस है बांसुरी पर वो अच्छी हो और जो आपकी पकड़ है फ्लूट के होल्स पर वो अच्छी हो, है ना। तो ये फ्लूट है डी शार्प स्केल की, मेरी कंपनी शिव्स म्यूजिक फ्लूट। और इसके अलावा अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर फ्लूट परचेस करना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैंने दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि सभी होल्स ओपन से आपको स्टार्ट करना है। अब सबसे पहले आती है फिंगर्स की आपकी पोजिशन, कि आपका जो थंब है वो उसकी पोजिशन कहाँ होगी। तो अपना जो राइट हैंड है और जो फोर्थ होल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो जो राइट हैंड का थंब होगा वो आप फोर्थ होल के नीचे रखेंगे, ना। ये इसका कोई फिक्स नहीं है, मतलब ये कोई रूल नहीं है कि आपको रखना ही है, ये बेस्ट पोजीशन होती है रखने के लिए, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप रख के देखिए। और ऐसे ही जो आपका लेफ्ट थंब है यानी कि लेफ्ट हैंड का थंब, वो आप रखेंगे जो फर्स्ट होल है, फर्स्ट प्लेइंग होल है उसके हल्का सा लेफ्ट में, है ना। तो इस तरीके से आपको होल्ड करना है फ्लूट को, और ये थंब की पोजीशन हुई। इसके बाद हम जो सबसे छोटी फिंगर होती है उसको आपको फ्री रखना है, जैसे राइट हैंड की जो सबसे छोटी फिंगर है उसको आप फ्री रखेंगे, और जो लेफ्ट हैंड की है उसको भी आप फ्री रखेंगे, ना, दोनों को फ्री रखना है। अब जो बीच की तीन फिंगर्स हैं उनसे हमको प्ले करना है, जो भी आप नोट्स निकालते हैं, स्वर निकालते हैं। तो अब आपको वन बाय वन आपको सारे होल्स पर फिंगर्स की कमांड होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप सारे होल्स ओपन कीजिए, इसमें आप साउंड निकालने की कोशिश कीजिए, जो ब्रीदिंग टाइम है उसको आप इम्प्रूव कीजिए। वो इम्प्रूव कैसे होगा कि जैसे फर्स्ट डे आपका टाइम जो है वो बहुत कम होगा, अब जब अगला दिन आप प्रैक्टिस करेंगे या फिर जब भी आप नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आप सांस को एक्सटेंड करने की कोशिश कीजिए, सांस को होल्ड करने की कोशिश कीजिए। जैसे हम ओम की प्रैक्टिस करते हैं, हम लंबे से लंबा खींचने की कोशिश करते हैं, सेम तरीका आपको फूंक देते वक्त आप सांस होल्ड करना है और टाइम नोट करते जाना है, और डे बाय डे वीक बाय वीक आपको इम्प्रूव करने की कोशिश करना है। तो सेम एक्सरसाइज मैंने बताया कि सारे होल्स ओपन, उसके बाद आपको फर्स्ट होल प्ले करना है और वहां पर आपको कमांड करना है, जैसे उसके बाद पहले दो होल्स, अब आप दोनों को एक साथ बंद करेंगे और एक साथ उठाएंगे, तो इससे क्या होगा कि जो आपकी कमांड है वो अच्छी होगी और आपके जो माइंड है वहां पर आपका कमांड जाएगा कि जब आप दो होल्स क्लोज करते हैं तो वहां पर साउंड किस तरीके का आएगा। ऐसे ही आपको थ्री होल्स एक साथ खोलने हैं और एक साथ क्लोज करने हैं, और इसका जो साउंड निकल के आ रहा है उसको ऑब्जर्व करना है। जितना आप ऑब्जर्व करेंगे उतना ही आप सीख पाएंगे। तो एक बार आप प्रैक्टिस में करके बताता हूँ, ये आपने टू होल्स, पहले दो होल्स हैं उसको बंद किया और ओपन किया, ऐसे ही आपको तीन होल्स ओपन करना है और क्लोज करना है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो तीन फिंगर्स हैं आपकी वो सभी एक साथ उठनी चाहिए, है ना। ऐसे ही जब आप फोर पर करेंगे तो 0 4 0 4 0 4, 0 मैंने नाम दिया सभी होल्स ओपन, और 1 मतलब 1 क्लोज, 2 मतलब पहले दोनों क्लोज, 3 मतलब 3 क्लोज, 4 मतलब 4 क्लोज, 5 मतलब पहले 5 होल क्लोज। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, और लास्ट में सारे 6 होल्स क्लोज। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्रैक्टिसेज हैं जो मैंने अपने कोर्स में भी कराई हैं और वैसे भी यूट्यूब पर डाले हुए हैं फ्री में, तो उनको आप देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके जो फिंगर्स हैं वो कंफर्टेबल होंगी प्ले करने में, और आपके माइंड को जो कमांड जाता है वो भी धीरे धीरे आपको सूट करने लगेगा और आप बजा पाएंगे। थैंक यू।